हेलो स्टूडेंट्स, टुडे विल बी कंप्लीटिंग चैप्टर 1 एसएस स्टैंडर्ड 9। ओके, अपन पढ़ते जब कंपनी का रूल, जो ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में, उसका जो कंपनी का रूल था उसका अल्टीमेटली इकोनॉमिक इंपैक्ट क्या हुआ। आज अपन पढ़ने वाले ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल के कारण, मतलब ब्रिटिशर्स के रूल के कारण इकोनॉमिक इंपैक्ट क्या हुआ, सोशल इंपैक्ट क्या हुआ, लास्ट में कंक्लूजन डिराइव कर देंगे। आज का अपना कॉन्टेंट ये रहने वाला है, इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑफ द कंपनी रूल, सोशल इंपैक्ट ऑफ कंपनी रूल एंड लास्ट में कंक्लूजन। ठीक है, अभी जो 100 इयर्स रूलिंग की ब्रिटिश, जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने ट्रेडिंग की 100 इयर्स, इस दौरान हमने रियलाइज किया कि पिछले सेंचुरी में इंडिया की एक एनविएबल पोजीशन थी। एनविएबल पोजीशन मतलब सबको इंडिया जैसा बनना था, सबको इंडिया जैसा प्रॉस्परस बनना था, अपन इतने प्रॉस्परस थे, एनविएबल पोजीशन थी। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही कंपनी का रूल एस्टैब्लिश किया, इंडिया सिर्फ एक ऐसी कंपनी बन गई जो सिर्फ और सिर्फ इंग्लैंड के लिए गुड्स बनाती है। पहले इंडिया इतनी प्रॉस्परस, इतनी रिच, जैसे अपन ने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इंडिया को सोने की चिड़िया कहा जाता था, इतनी रिच और इतनी प्रॉस्परस कंट्री थी। लेकिन ब्रिटिश रूल के दौरान इंडिया सिर्फ एक ऐसी कंट्री बन के रह गई जो सिर्फ और सिर्फ इंग्लैंड के लिए अलग अलग गुड्स बनाती है और उधर बेचती है। सिर्फ कंपनी प्रोड्यूसिंग गुड्स फॉर इंग्लैंड, सिर्फ इंग्लैंड के लिए गुड्स बनाती हुई कंपनी बन गई। अब बंगाल है ना, बंगाल से बहुत सारी चीजों का एक्सपोर्ट होता था, जूट हो गया, सिल्क हो गया, मसलिन हो गया, क्लोथ हो गया, रॉ मटेरियल हो गया, अलग अलग चीजों का एक्सपोर्ट होता था। लेकिन एक जो ड्यूअल पावर पॉलिसी सिस्टम के कारण जो भी बंगाल का ग्लिटर था, पूरा ग्लिटर फेड हो गया। बंगाल से बहुत सारी चीजों का एक्सपोर्ट होता था, जो स्पाइसेस होते थे, मसलिन होता था, जूट, शुगर, कॉटन, रॉ मटेरियल, बहुत सारी चीजें बंगाल से एक्सपोर्ट होती थी, राइट। लेकिन ये जो ड्यूअल पावर पॉलिसी, ड्यूअल पावर पॉलिसी से बंगाल का जो ग्लिटर, जो चमक थी बंगाल की पूरी फेड होगी। अब ये सवाल आ रहा है कि ड्यूअल पावर पॉलिसी क्या, ड्यूअल पावर पॉलिसी में ये था कि जो पावर, ड्यूअल पावर पॉलिसी जो उसको हम द्विमुखी शासन बोलते हैं, द्विमुखी शासन, वो सबसे पहले बंगाल में इंप्लीमेंट हुआ था। जो ड्यूअल पावर पॉलिसी, द्विमुखी शासन, वो सबसे पहले इंट्रोड्यूस कहां पे हुआ था, फर्स्ट टाइम बंगाल में इंट्रोड्यूस हुआ था। अब इस सिस्टम में पावर ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन, पैसा कलेक्ट करने की रिस्पॉन्स, जो पावर होता है ना, वो हक दे दिया ब्रिटिशर को, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल वो दे दिया नवाब को। मतलब जो भी टैक्स कलेक्ट करना है, रेवेन्यू कलेक्ट करना है, वो कलेक्ट करने का हक, जो पावर होता है, वो ब्रिटिशर के पास। और जो जवाबदारी होती है लोगों का ध्यान रखने की, अपने प्रजा की सेवा करने की, अपनी प्रजा का ख्याल रखने की, वो सारी जो जवाबदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो नवाब के पास। मतलब ब्रिटिशर को पावर मिल गया और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, और नवाब को रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली और पावर नहीं। समझ आए, यहाँ पे जो ड्यूअल पावर सिस्टम था, इसमें ऐसा था जो भी पावर था, जो कलेक्ट रेवेन्यू कलेक्ट करने का पावर ब्रिटिशर के पास था, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द वेलफेयर ऑफ द स्टेट, स्टेट की जो वेलफेयर की जवाबदारी थी, वो नवाब के पास। मतलब पूरा काम करने का नवाब को और पैसा कलेक्ट करने का ब्रिटिशर्स को। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे वो ब्रिटिशर्स को पावर मिल गया विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी, और नवाब को रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल गया विदाउट पावर। ठीक है, ये था अपना सब्सिडरी अलायंस सिस्टम। ये जो ड्यूअल पावर सिस्टम था, सब्सिडरी अलायंस सिस्टम था, जिसने पूरे के पूरे बंगाल की ग्लोरी को बुरी तरह से फेड कर दिया। ओके, तो अपन ने अभी तक ये पढ़ा कि मतलब ये 100 इयर्स जो थे, 100 इयर्स में अपन को ये रियलाइज हो कि इंडिया पहले सेंचुरी में की एनविएबल पोजिशन थी, कि लोगों को भी इंडिया जैसा बनना था। लेकिन धीरे धीरे इंडिया सिर्फ एक ऐसी कंट्री बन गई जो सिर्फ और सिर्फ गुड्स प्रोड्यूस करती है फॉर इंग्लैंड, इंग्लैंड के लिए गुड्स प्रोड्यूस करने वाली ही कंपनी बन गई। बंगाल से बहुत सारी चीजें एक्सपोर्ट होती थी, जूट, सिल्क, कॉटन, रॉ मटेरियल, मसलिन। लेकिन धीरे धीरे जो ड्यूअल पावर पॉलिसी सिस्टम आया, उस पावर, ड्यूअल पावर पॉलिसी सिस्टम से जो बंगाल का ग्लिटर था, जो बंगाल की चमक थी, पूरी की पूरी फेड हो गई। ड्यूअल पावर पॉलिसी सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुआ था बंगाल में, जो ड्यूअल पावर पॉलिसी सबसे पहले बंगाल में इंट्रोड्यूस हुआ था। इस पॉलिसी से जो पावर टू कलेक्ट द रेवेन्यू, रेवेन्यू कलेक्ट का पावर ब्रिटिशर्स को दिया, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द वेलफेयर ऑफ द स्टेट, स्टेट की वेलफेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी वॉज गिवन टू नवाब। दस नवाब गॉट रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट पावर, एंड ब्रिटिशर गॉट पावर विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये सब्सिडरी अलायंस सिस्टम था। अब बंगाल में बहुत अनफेयर रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम था, मीट इंडियन पीजन डेटा। मतलब बंगाल का जो रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम था, जो पैसे कलेक्ट करने का गवर्नमेंट का सिस्टम था, वो एकदम अनफेयर था। जैसे इंडिया के जो फार्मर्स थे, वो एकदम डेटर बन गए। डेटर बन गए मतलब क्या, डेटर मतलब उन लोग को बहुत सारे पैसे चुकाने पड़े थे, वो डेटर बन गए, डेट में चले गए, बहुत ज्यादा लोन में चले गए, डेट में चले गए, राइट। तो इस पर ये जो अनफेयर रेवेन्यू सिस्टम था बंगाल में, इससे इंडिया के फार्मर्स जो पहले बहुत रिच माने जाते थे, वो डेटर बन गए, एकदम कर्जदार बन गए, उनमें कर्ज चढ़ता गया, राइट।
उसके बाद जो इंडिया का अनफेयर टैक्सेस ऑन इंडियन क्लोथ इंडस्ट्री, मतलब ये जो ब्रिटिशर का टैक्स सिस्टम था वो इंडिया के जो कपड़े की इंडस्ट्री क्लोथ इंडस्ट्री के लिए भी बहुत अनफेयर था, बहुत हायर टैक्स लेवी करते थे इंडियन क्लोथ्स के ऊपर। इंडिया के जो आर्टिशियंस थे वो एकदम पुअर हो गए, अनएम्प्लॉयड हो गए, सब जगह मशीन टेक्नोलॉजी आ गई, तो जो इंडिया के आर्टिशियंस थे जो पूरा हैंड से वर्क करते थे वो एकदम पुअर और अनएम्प्लॉयड, एकदम बेरोजगार हो गए। ठीक है, अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी के ट्रेडर थे वो लोग जो बंगाल के वीवर्स थे उनको फोर्स कर रहे थे कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए। जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी के ट्रेडर्स थे वो बंगाल के वीवर्स को, बंगाल के वीवर्स मतलब जो कपड़ा बनाते, वीवर्स मतलब जो कपड़ा बनाते, उनको फोर्स कर रहे थे कि आप एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करो कि जब भी हमको जिस भी क्वांटिटी में कपड़ा चाहिए वो शॉर्टर ड्यूरेशन में आप हमको प्रोवाइड कर लोगे, जब हम बोले जैसे बोले शॉर्टर ड्यूरेशन में आप हमको कपड़ा प्रोवाइड करोगे। और जो भी वीवर इस बात के लिए मना कर जाता उसको जेल कर देते थे। ठीक है, तो बेसिकली आप जो कंपनी ट्रेडर दे फोर्स द वीवर ऑफ द बंगाल टू साइन अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर प्रोवाइडिंग डेफिनेट क्वांटिटी ऑफ क्लोथ इन शॉर्ट पीरियड ऑफ द टाइम। मतलब वो लोग फोर्स कर रहे थे बंगाल के वीवर्स को कि आप सब एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करो कि जब भी जितना भी क्वांटिटी ऑफ गुड्स बोले उतना आपको देना, जितना क्वांटिटी ऑफ क्लोथ बोले उतना देना पड़ेगा, दैट टू इन शॉर्ट पीरियड, कम से कम समय में। और जो भी पॉलिसी जो भी कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग करता उनको जेल कर देते थे। अब कंपनी रूल के पहले बिफोर कंपनी रूल इंडिया के जो विलेजर्स थे ना वो एकदम सेल्फ रिलायंट और प्रॉस्परस थे, सेल्फ रिलायंट, उनको किसी पे डिपेंड ही नहीं होना पड़ता था और एकदम प्रॉस्परस थे। लेकिन कंपनी रूल आने के बाद जो इंडिया के विलेजेस डिपेंडेंट हो गए और पुअर हो गए। पहले इंडिया के गांव जो इंडिया के विलेजेस एकदम सेल्फ रिलायंट थे, खुद ही खुद का पूरा जो लाइवलीहुड वो लोग चलाते थे, दे डोंट नीड एनी पर्सन, मतलब खुद ही सब करते थे, एकदम सेल्फ रिलायंट थे और एकदम प्रॉस्परस थे। लेकिन जैसे कंपनी रूल आया तो वो इंडिया के विलेजेस एकदम पुअर हो गए और एकदम डिपेंडेबल हो गए। ठीक है, अब इंडिया में जो फर्स्ट रेलवे लाइन स्टार्ट हुआ था मुंबई टू थाने के बीच में वो ब्रिटिशर्स ने चालू करा था। सबसे पहले जो स्टीमर चालू हुई थी इंडिया और इंग्लैंड के बीच में वो भी ब्रिटिशर्स ने चालू की थी। और ब्रिटिशर्स के टाइम अलग अलग पोर्ट्स भी डेवलप हुए थे मुंबई, चेन्नई और कलकत्ता में। ठीक है, तो ये सारी जो चीजें ना वो इकोनॉमिक इंपैक्ट था। एक बार ध्यान देना, अभी लास्ट में अपन ने जो पढ़ा, जो ब्रिटिशर्स का रेवेन्यू सिस्टम था वो बहुत अनफेयर था, जिससे इंडिया के जो पीसेंट्स है वो डेटर बन गए। उसके बाद बहुत ज्यादा अनफेयर टैक्सेस कलेक्ट होते थे इंडियन क्लोथ इंडस्ट्री से। इंडिया के जो आर्टिशियंस थे वो एकदम पुअर और अनएम्प्लॉयड हो गए। जो ईस्ट इंडिया कंपनी के ट्रेडर थे दे फोर्स द वीवर्स ऑफ बंगाल टू साइन अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर प्रोवाइडिंग अ डेफिनेट क्वांटिटी ऑफ क्लोथ दैट टू इन शॉर्टर नोटिस, कम समय में डेफिनेट क्वांटिटी का क्लोथ प्रोवाइड करने का कॉन्ट्रैक्ट साइन करने को बोलते हैं। दोस्तों रिफ्यूज देवर जेल, जो भी मना करते थे उनको जेल में डाल देते थे। बिफोर ब्रिटिश रूल से पहले इंडिया के विलेजेस थे वो सो मच प्रॉस्परस एंड सेल्फ रिलायंट, बट आफ्टर ब्रिटिश रूल दे बिकेम डिपेंडेंट एंड पुअर, राइट। उसके बाद पहले जो फर्स्ट रेलवे लाइन था मुंबई टू थाने वो ब्रिटिशर्स ने स्टार्ट किया था, पहला जो स्टीमर था वो ब्रिटिशर्स ने स्टार्ट किया था इंडिया और इंग्लैंड के बीच में, और जो वेरियस पोर्ट्स थे मुंबई चेन्नई और कलकत्ता में वो भी स्टार्ट करे थे ब्रिटिशर्स ने। ठीक है, एक बार बोर्ड पे ध्यान दो। अपन पढ़ रहे इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑफ कंपनी रूल। इन 100 इयर्स ऑफ कंपनी रूल वी रियलाइज दैट इंडिया विच हैज एन एनवीएबल पोजीशन इन द वर्ल्ड। एनवीएबल मैंने बताया कि जो लोग एनवी करते कि हमको भी ऐसी कंट्री बनना था, मेकिंग नियरली अ कंट्री प्रोड्यूसिंग रॉ मटेरियल फॉर इंग्लैंड। बंगाल एक्सपोर्टेड कॉटन क्लोथ रॉ मटेरियल शुगर जूट मसलिन, बट आफ्टर ड्यूअल पावर पॉलिसी ग्लिटर ऑफ बंगाल फेड हो गया। ड्यूअल पावर पॉलिसी जो द्विमुखी शासन बोलते हैं वो कहाँ इंट्रोड्यूस हुआ था फर्स्ट टाइम बंगाल में। यहाँ पे पावर ऑफ द रेवेन्यू कलेक्शन ब्रिटिशों के पास और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पीपल वेलफेयर नवाब के पास, मतलब ब्रिटिश को पावर विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी और नवाब को रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट पावर, इसको बोलते हैं सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम। जो अनफेयर रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम था मेड इंडियन पीजेंट इंडिया के पीजेंट डेटर्स हो गए, अनफेयर टैक्सेस लेवाए हो रहे थे इंडिया की क्लोथ इंडस्ट्री पे, इंडियन आर्टिशियन बिकेम पुअर एंड अनएम्प्लॉयड, कंपनी ट्रेडर फोर्स वीवर ऑफ बंगाल टू साइन अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर प्रोवाइडिंग अ डिफिनाइट क्वांटिटी ऑफ क्लोथ इन शॉर्ट पीरियड एंड दोज़ हू रिफ्यूज्ड वर लैश्ड और जेल्ड। बिफोर कंपनी रूल इंडियन विलेजेस वर सेल्फ रिलायंट एंड प्रॉस्परस, आफ्टर कंपनी रूल दे बिकेम डिपेंडेंट एंड पुअर। फर्स्ट रेलवे लाइन मुंबई टू थाने, फर्स्ट स्टीमर जो था इंडिया टू इंग्लैंड एंड डेवलपमेंट ऑफ पोर्ट मुंबई चेन्नई एंड कलकत्ता, ये भी ब्रिटिश रूल के टाइम हुआ। अपन ने इकोनॉमिक इंपैक्ट पूरा कंप्लीट कर लिया, सोशल इंपैक्ट पढ़ते पहले एक बार इसके नोट्स बनाओ।
पढ़ने वाले कि कौन कौन से सोशल रिफॉर्म्स आए थे ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल के दौरान। अब ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम फ्रीडम ऑफ स्पीच और थॉट बहुत डेवलप हुआ बिकॉज न्यूज़पेपर बहुत प्रिवेलेंट हुए। न्यूज़पेपर प्रिवेलेंट हुए तो जो लोगों के थॉट्स थे वो जो भी लोग बोलना चाहते थे वो न्यूज़पेपर वाले लोगों तक पहुंचा सकते थे, तो वहां पर फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ थॉट डेवलप हुआ। ठीक है, इन इंडियन सोसाइटी सर्टन तब इंडियन सोसाइटी में कुछ रॉन्ग प्रैक्टिसेस प्रिवेल करते थे, सती प्रथा, चाइल्ड मैरिज, फीमेल इन्फेंटिसाइड, ये सारी जो रॉन्ग रिचुअल्स, रॉन्ग प्रैक्टिसेस थे वो इंडिया में बहुत ज्यादा प्रिवेल करते थे। तो राजा राम मोहन रॉय, बहरामजी और दुर्गा राम मेहता, ये लोग की मदद से लॉ पास हुए जिससे ये जो रॉन्ग प्रैक्टिसेस है वो बैन हो पाए। ठीक है, इंडिया में उस दौरान बहुत सारे इविल प्रैक्टिसेस चलते थे, सती प्रथा सिस्टम, चाइल्ड मैरिजेस, फीमेल इन्फेंटिसाइड, काफी ऐसे रिचुअल्स चलते थे, ऐसे प्रैक्टिसेस चलते थे जो सही नहीं थे। इन सारे रिचुअल और प्रैक्टिसेस को बैन कराने के लिए जो तीन लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया वो थे राजा राम मोहन राय, दुर्गा राम मेहता एंड बहराम जी। ठीक है, इन लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था ये सारे प्रैक्टिसेस को बैन कराने के लिए, ऐसा लॉ पास कराने ब्रिटिशर्स की मदद से। लॉर्ड मैकेले ने इंडिया में इंग्लिश एजुकेशन को बहुत प्रमोट किया। लॉर्ड मैकेले जो थे उन्होंने इंडिया में इंग्लिश एजुकेशन को बहुत ज्यादा प्रमोट किया, राइट, उनकी मदद से इंडिया में इंग्लिश एजुकेशन आई। और चार्ल्स वुड की रिकमेंडेशन के बाद, इंडिया में यूनिवर्सिटीज एस्टैब्लिश हुई, मुंबई, मद्रास, कोलकाता, इन सब जगह पे यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश हुई। ठीक है, तो चार्ल्स वुड की रिकमेंडेशन के बाद यूनिवर्सिटीज एस्टैब्लिश हुई मुंबई, मद्रास, कोलकाता, इन सब में। ठीक है, तो अपने सोशल रिफॉर्म में अभी तक ये पढ़ा कि ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, ब्रिटिश रूल के दौरान इंडिया में फ्रीडम ऑफ थॉट और एक्सप्रेशन बहुत डेवलप हुआ बिकॉज ऑफ द न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर के बाहर लोग अपना जो थॉट प्रोसेस थे वो दूसरे लोगों तक पहुंचा पाते थे, तो जो फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ थॉट डेवलप हुआ। इंडिया में बहुत सारे एविल प्रैक्टिसेस प्रिवेलेंट थी, सती प्रथा, चाइल्ड मैरिज, उन सबको बैन कराने में विद द हेल्प ऑफ ब्रिटिशर्स, ब्रिटिशर्स की मदद से उन सबको बैन कराने में राजा राम मोहन राय, दुर्गा राम मेहता और बहराम जी, इन लोगों का बहुत ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन था, राइट। लॉर्ड मैकेले जो थे उन्होंने इंडिया में इंग्लिश एजुकेशन स्टार्ट की, ये पूछ सकते हैं आपको, आई थिंक पता ही होगा, लास्ट ईयर आया था। लॉर्ड मैकेले जो थे उन्होंने इंडिया में इंग्लिश एजुकेशन स्टार्ट की और चार्ल्स वुड की रिकमेंडेशन से, इंडिया में यूनिवर्सिटी सेटअप हुई मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, मुंबई, मद्रास और कोलकाता में। तो ये जो सब था वो सोशल इंपैक्ट था। अपन ने पढ़ा ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उनका इकोनॉमिक इंपैक्ट क्या हुआ वो पूरा अर्लियर पढ़ा, फिर अपन ने सोशल इंपैक्ट पढ़ा। अब इन सबको समराइज करके एक कंक्लूजन डिराइव कर लेते हैं कि क्या हम इस चैप्टर से कंक्लूड कर सकते, राइट। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो इंडिया में केम टू इंडिया अलाउड बाय प्रॉस्पेरिसिटी एंड ट्रेड अपॉर्चुनिटी। जो ईस्ट इंडिया कंपनी वो इंडिया में क्यों आई, बिकॉज इंडिया की जो ट्रेड अपॉर्चुनिटीज थी, जो प्रॉस्पेरिसिटी थी, जो उसे एल्योर्ड होके, उसे अट्रैक्ट होके, इंडिया के बिजनेस अपॉर्चुनिटी से अट्रैक्ट होके वो इंडिया में आई। कंपनी ने कुछ अच्छे और कुछ बुरे इंपैक्ट प्रोड्यूस किए। ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल के दौरान कुछ गुड और कुछ बैड रिजल्ट आए, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल फील्ड, सारे फील्ड में कुछ गुड इंपैक्ट आया, कुछ बैड इंपैक्ट आया। कंपनी की पॉलिसी थी इंग्लैंड को रिच बनाना एट द कॉस्ट ऑफ इंडिया। सिंपल, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी यही पॉलिसी कि इंग्लैंड को प्रॉस्परस बनाओ एट द कॉस्ट ऑफ इंडिया, इंडिया को गरीब करके इंग्लैंड को प्रॉस्परस बनाओ, हमेशा जो ईस्ट इंडिया कंपनी यही स्ट्रैटेजी पे वर्क करती थी। रिफॉर्म मेड इन एडमिनिस्ट्रेशन और जो इम्पैक्ट को ब्रिटिशर्स ने इंडिया में रिफॉर्म्स लाए, रेलवे, इंग्लिश एजुकेशन, वो सब भी अल्टीमेटली खुद के फायदे के लिए ही लाए थे, लेकिन नो डाउट उनका जो बेनिफिट है वो इंडियंस को मिला, बट ये एक्चुअली इंडियंस के लिए नहीं थे, एक्चुअली उनके खुद के फायदे के लिए ये सारे रिफॉर्म्स भी लाए गए थे। उनको ट्रांसपोर्टेशन के लिए इसलिए उन्होंने रेलवे स्टार्ट किया, उन्होंने इंग्लिश एजुकेशन प्रोवाइड की जिससे उनको अपने एडमिनिस्ट्रेशन में लोग काम करने के लिए मिल रहा, बिकॉज इंडियंस को इंग्लिश नहीं आती थी, उन्होंने इंडियंस को इंग्लिश एजुकेशन दी जिससे वो उनको एनस्लेव कर पाए। ठीक है, तो कंक्लूजन वापस मैं आपको समझा रही हूँ। ऐसा बोला है जो ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में जो ट्रेड अपॉर्चुनिटीज है उससे एल्योर्ड होके, उससे अट्रैक्ट होके इंडिया में, ठीक है, इस कंपनी ने कुछ अच्छा, कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव रिजल्ट प्रोड्यूस किए पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू में। कंपनी अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ मेकिंग इंग्लैंड प्रॉस्परस एट द कॉस्ट ऑफ इंडिया, इंडिया की कॉस्ट पे इंग्लैंड प्रॉस्परस होने का स्ट्रैटेजी हमेशा ईस्ट इंडिया कंपनी ने अडॉप्ट की। रिफॉर्म वर मेड इन एडमिनिस्ट्रेशन, जो भी रिफॉर्म्स बनाए करे थे वो वॉज फॉर देयर बेनिफिट, खुद के बेनिफिट थे, बट उसका इनडायरेक्टली बेनिफिट इंडियंस को भी मिला, बट वो एक्चुअली खुद के बेनिफिट्स के लिए थे। ठीक है, अपन ने सोशल रिफॉर्म्स पढ़े इंडिया में क्या क्या, इंडिया में सोशल रिफॉर्म्स पढ़ने के बाद अपन ने इसका कंक्लूजन डिराइव किया। एक बार बोर्ड पे ध्यान दो, सोशल रिफॉर्म,
During British administration, freedom of speech and thought developed. During the British administration, जो freedom of speech और thought develop हुआ क्यों? Because of the development of newspaper. Newspaper develop हुआ इसलिए freedom of speech और thought develop हुआ. In Indian society, certain wrong social customs, rites or rituals थे, like sati pratha system, female infanticide, child marriage, ये कुछ wrong customs or rituals prevalent थे. राजा राम मोहन रॉय, दुर्गा राम मेहता, बहराम जी were stalwart whose role was instrumental in getting the law passed with the help of Britishers. इन तीनों का बहुत ज्यादा रोल था लॉ पास कराने में विद द हेल्प ऑफ ब्रिटिशर्स. इन सारे रिचुअल्स और एविल प्रैक्टिसेस को बैन कराने के लिए जो लॉ पास हो रहे थे वो इनकी मदद से ही पास हो रहे थे. इंग्लिश एजुकेशन लॉर्ड मैकले के एंडिवियर से हुई थी. इंग्लिश एजुकेशन जो लॉर्ड मैकले के एफर्ट्स है, एंडिवियर मतलब एफर्ट्स से इंग्लिश एजुकेशन इंडिया में आई. चार्ल्स वुड के रिकमेंडेशन से, एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ चार्ल्स वुड, यूनिवर्सिटीज वर एस्टैब्लिश इन मुंबई, मद्रास एंड कलकत्ता. कंक्लूजन, द ईस्ट इंडिया कंपनी केम टू इंडिया अलाउड बाय allured by the prosperity, allured by the prosperity and trade opportunity. Company produced certain good and bad results in political, economic, social and cultural view. Company adopted the policy of making England prosperous at the cost of India, right? Reform made in administration was for their own interest, वो खुद के interest के लिए थे, लेकिन indirectly proved to be beneficial for India, जो indirectly India के लिए beneficial prove हो रहे थे. Okay? तो अपन ने आज इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑफ कंपनी रूल पढ़ा, सोशल इंपैक्ट ऑफ कंपनी रूल पढ़ा और लास्ट में कंक्लूजन पढ़ा. अपना आज का लेक्चर भी कंप्लीट हो गया और जो चैप्टर 1 है वो भी पूरा कंप्लीट हो गया. इसके नोट्स बना लो. गुड बाय एवरीवन.